सकता है आप लोग 65-70 के भी न हुए हो, और इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आप सब मेरे सब साथी हैं, हम साथी हैं। आप लोगों की आयु 60 वर्ष हुई से पहले आप निश्चित रूप से एक परिवार का पालन पोषण जब कर रहे थे तो आपके ऊपर जिम्मेवारियां थी, आप निभा रहे थे। जैसे ही आप 60 वर्ष के हुए हैं तो निश्चित रूप से मन में कुछ तकलीफों का एहसास भी होना शुरू हो जाता है। आपका अपना परिवार है, बेटे बेटियां, बहुएं हैं, दामाद हैं, भाई बहन हैं, वो एक परिवार है। लेकिन जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे भी आभास होता है कि मैं भी एक परिवार रखता हूं, लेकिन मैंने अपने उस छोटे दायरे में कभी परिवार को नहीं माना। मैंने माना है कि पूरे हरियाणा की जनता 2,87,00,000 लोग, लगभग 72,00,000 परिवार, ये सब मेरा परिवार है। और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं। अब आपकी तकलीफ जब बढ़ती है तो उस तकलीफ को मैं भी महसूस करता हूं कि किस प्रकार की तकलीफें 60 वर्ष की आयु के बाद हो जाती हैं। इन तकलीफों को दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम तो बहुत शुरू किए हैं, परिवार के नाते भी, व्यक्ति के नाते भी। साथ ही एक बात जो हमको सबको स्मरण है कि कुछ वर्ष पहले हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी। और वो योजना शायद 100 रूपये के आसपास से शुरू हुई थी, समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई। और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1,000 रूपये मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रूपये, 250 रूपये, 200 रूपये, इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते, और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रूपये हो जाएगी। कहां 1,000 रूपया, कहां 2,750 रूपया। अब इस नाते से हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। जब ये क्रम चलता हुआ हमने वर्षों तक देखा, एक बात और ध्यान में आई कि ऐसे सब बुजुर्गों को अपनी जब 60 वर्ष होने के बाद नई पेंशन बनानी पड़ती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास्त लेकर के अपनी दस्तावेजों की फाइल बनानी पड़ती है, और फिर धक्के खा खा करके भी उनकी महीनों वर्षों तक पेंशन ही नहीं बनती है। कभी उनका सिफारशी कोई नहीं मिलता उनको, बहुत से लोग बीच में एजेंट खड़े हो जाते हैं। उस नाते से एक तकलीफें, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एहसास जब हमको हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। हमने इसमें बदल करके जब परिवार पहचान पत्र बनाया और हर परिवार का डाटा ये हमारे पास आ गया, तो उस परिवार के डाटा के अंतर्गत हमको पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयु के हिसाब से उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई। अब दो ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की, वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है, और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2,00,000 रूपये से कम होनी चाहिए। जब ये 2,00,000 रूपये की बात आई तभी भी ध्यान में आया कि यार 2,00,000 रूपये कम नहीं है, हमें लगा 2,00,000 रूपये ये कम है। तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रूपया कर दिया है, और इस 3 लाख के करने के बाद बहुत से लोग इसमें नए और जुड़ गए हैं। तब ये भी व्यवस्था बनाई कि जिस महीने में 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए उसको तुरंत अगले महीने से अपने आप पेंशन शुरू हो जाए। मात्र एक कागज पर आपको साइन करना होगा, कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके यहां आपकी सहमति लेगा, क्योंकि सहमति लेनी भी आवश्यक है। बहुत लोगों ने ऐसे भी जो हमको मिले हैं जिन्होंने कहा था शुरू में जब व्यवस्था शुरू हुई कि हमको तो पेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहेंगे तो ही तो पेंशन देनी होगी। इस नाते से हमको ये भी लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी उनको लगता है कि इस पेंशन का सरकार के ऊपर बोझ न डाला जाए, तो अपनी असहमति भी प्रकट करते हैं। उसी में से व्यवस्था निकली कि एक बार 60 वर्ष का होते ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जरूर लेने चाहिए, तो हमने लेने शुरू किए हैं। एक ही महीने के अंदर अंदर वो सहमति पत्र के साइन भी हम कराते हैं, और उसके बाद उन लोगों से जो सहमति पत्र देते हैं अपने आप ही, और ये जो
पेंशन है ये जाना शुरू हो जाता है। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। तो ऐसे जो 16,500 लोग हैं, आज मैं उन सब 16,500 लोगों से उनके साथ टेलीफोन का संपर्क करके और ये बातचीत कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपके मैं अनुभव भी बाद में सुनना चाहूंगा कि इस ऑटोमेटिक पेंशन बनने में कहीं आपको कोई कठिनाई तो नहीं आई है। मेरा पूरा विश्वास है कि यह कठिनाई नहीं आई होगी, अगर कोई आई भी होगी तो इसको हम तुरंत जो है दुरुस्त भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। अब ये तो ऑटोमेटिक पेंशन बनने की बात है, लेकिन हम लोगों ने इस पेंशन को जो पहले से बनी हुई है उसमें भी लगभग 18.5 लाख परिवार जो मैंने बताए हैं उनको हम ये पेंशन दे रहे हैं। और इस पेंशन के माध्यम से मुझे ये भी ध्यान है कि आखिर तो हम परिवार वाले लोग हैं, हमारे बेटे बेटियां पोते पोतियां हमारे सब परिवार के लोग, कभी कभी उनको सहयोग करना पड़ता है, उनको मान सम्मान करना पड़ता है, उनको कोई कहीं ना कहीं दान दक्षिणा देने की भी हमारी मन की इच्छा होती है, तब भी हम देते हैं। तो एक सुविधा ये हरियाणा के लोगों को जो मिल रही है लगभग 2,750 रूपये की जो अब योजना अप्रैल से बनी है, यदि एक दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इतनी राशि केवल हरियाणा प्रदेश ही है जो ये 2,750 रूपया और ये दे रहा है, और किसी प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था ऐसी नहीं है। तो मित्रों भाइयों बहनों, मैं तो आपको आज यही कहूंगा कि हम लोग जो ये एक लाभ सरकार से ले रहे हैं तो इस लाभ के बदले में हम लोगों को, क्योंकि हमारी आयु भी 60 वर्ष ही हुई है, तो 60 वर्ष होने के बाद आखिर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, काम करने योग्य रहता है, तो हमें अपने इस आयु के पड़ाव में आकर के अपने काम के साथ साथ सामाजिक कामों में भी जाना चाहिए। ऐसे जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं, जितने ऐसे बुजुर्ग हैं या नौजवान भी हैं जो अपने आप एक स्वयंसेवक के नाते, एक वॉलंटियर के नाते काम कर सकते हैं, उनका भी एक पोर्टल बनाया है, उनको हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर अपना मन माने कि हमको आखिर कोई ना कोई समाज का काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये समाज है, ये हमारा परिवार है, एक छोटा परिवार जिसके अंदर हम पैदा हुए, हमारे आगे परिवार के सदस्य बेटे बेटियां बहन भाई हमारे जो दोते धोतियां पोते पोतियां और हमारी बहुएं हमारे दामाद, एक परिवार, दूसरा परिवार ये सारा समाज, ये भी एक परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम, ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमेशा कही है कि अपना जो मन है ये बड़ा करना चाहिए। ऐसा कहते हैं अयम निजा प्रोवेति, यानी ये मेरा है ये तेरा है, गणना लघु चेतसाम, ये छोटे दिल के लोग करते हैं, उदार चरिता नाम तो बड़े हृदय के लोग वही होते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, जो पूरे विश्व को पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। आखिर अपनी सोच हमको बड़ी करनी चाहिए, और अभी तक हमने शायद अपने परिवार पालन पोषण में ही सारा समय लगाया होगा, लेकिन एक आयु के पड़ाव के बाद जैसे हमारी प्राचीन परंपरा होती थी वानप्रस्थ आश्रम की, तो इस वानप्रस्थ आश्रम के अंदर जाकर के हमको समाज की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला परिवार ये अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं हो सकते, अपने आप में सारा काम अपने आप नहीं कर सकते, हमको प्रायः सभी काम करने के लिए समाज की भी आवश्यकता होती है। यदि सारे समाज की हम चिंता करेंगे तो समाज हमारी भी चिंता करेगा। तो इसलिए वॉलंटियर बनने के लिए हमने जो पोर्टल बनाया है उस पोर्टल के बारे में मैं बताता हूं, उसका नाम है samarpan.gov.in, अंग्रेजी का ये शब्द है। आपको अगर न ध्यान में आए तो आप निश्चित रूप से आपके गांव में जो भी कोई कंप्यूटर के नाते से जो कोई वहां साझा सेवा केंद्र है अथवा जिसको CSC कहते हैं या अटल सेवा केंद्र कहते हैं या कोई भी कंप्यूटर जानने वाला व्यक्ति, उसको हम बता सकते हैं कि मैं भी अपना नाम वॉलंटियर इस नाते से उसमें जुड़वाना चाहता हूं, तो इस नाते से हम और वॉलंटियर बन सकते हैं। हमने इस प्रकार की सेवाएं बहुत जो खास करके बुजुर्गों के लिए तो शुरू की है, समाज के हर वर्ग के लिए हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी योग्यता के, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से, खास करके आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की हैं। हमने इस परिवार पहचान पत्र के अंदर जितने भी नागरिक हैं अर्थात 2,87,00,000 इनको 6 भागों में बांटा है। 0 से 6 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, आखिर उनकी भी संभाल करनी होती है। हमने महिला बाल कल्याण विभाग के नाते से उनको ये जिम्मा सौंपा है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स,
हमारे जो क्रच हैं, हमारे जो स्कूल हैं जहां जहां ये बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो हमारा इनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए या इनको कोई आगे बीमारी न लगे उसके लिए टीकाकरण करने के लिए ये विभाग उनका काम करता है। ऐसे ही 6 वर्ष से लेकर के और 16-18 वर्ष तक ये जो एक हमारे बालक परिवारों के इनको स्कूल शिक्षा का जो विभाग है वो इनकी चिंता करता है कि ये सब बालक पढ़ने के लिए जाएं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो किसी स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, घर में ही रहता है, या उसको कोई स्वभाव के नाते से कोई कहीं गलत आदत तो नहीं लग गई है। तो हर बच्चे की संभाल करना ये इस विभाग के जिम्मे रहेगा। 18 से लेकर के 25 वर्ष तक हमारा जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, जो उच्चतर शिक्षा में चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं चाहे हमारे कॉलेजेस हैं, ये जो विभाग इन 18 से 25 वर्ष वालों की चिंता करेगा, या तो पढ़ाई करेंगे या फिर अपने हुनर को विकसित करने के लिए स्किलिंग डेवलपमेंट के नाते से ये उनकी चिंता करेंगे। कुछ लोग जो रोजगार करना चाहते हैं उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे सब युवा, ये युवा अवस्था ऐसी होती है, इस समय संभालना बहुत जरूरी होता है, दिशा देना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे युवक एक ठीक दिशा में काम करें, इनके लिए वो काम हम देते हैं उनको। इसी प्रकार 25 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक ये ऐसे युवा होते हैं जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश करते हैं, तो इस नाते से इनके युवकों की गतिविधियों में ये भाग लें और हर किसी को अपने परिवार पालन के अंदर सहयोग करने के नाते रोजगार प्राप्त हो, ये काम हम उसके लिए भी करते हैं। ये भी हमारा जो यूथ अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है, ये जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो लोग इनका पूरा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार 40 से 60 वर्ष तक का रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा है, क्योंकि ये प्राय सब लोग अपने काम में लग जाते हैं, कोई छोटा काम करे, बड़ा काम करे, नौकरी करे, दुकान करे, उद्योग करे, इन सब के जिम्मे अपने परिवार का पालन पोषण होता है, इनको किसी प्रकार की कठिनाई न आए ये भी काम उनके जिम्मे लगाया जाता है। तो सब लोग इस नाते से और व्यस्त रहें, सबको एक प्रकार से परिवार पालन के अंदर पूरा अवसर मिले। तो इस प्रकार 60 साल तक और 60 साल से ऊपर की आयु के वर्ग के लोग जिसमें हम शामिल हुए हैं, ऐसे सब लोगों के लिए जो हमारा सेवा विभाग है, सेवा विभाग के जिम्मे ये लगाया है कि 60 वर्ष से लेकर और जितने वर्ष तक की आयु प्रभु ने हमको दी है उस वर्ष तक सबकी संभाल ये सब करें। विशेष तौर पर इन सब वर्गों के लिए स्वास्थ्य का विषय ऐसा है जो हर किसी के ऊपर लागू होता है कि स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और अगर कहीं अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो उसका इलाज ठीक हो जाए। इलाज ठीक करने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर बहुत चिंतित है, गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब परिवार किसी के इलाज कराने में इतना खर्च कर बैठे कि परिवार जो है वो कहीं उसकी कमर न टूट जाए, क्योंकि गरीब परिवारों को लाखों रुपए का इलाज का खर्च देना ये संभव नहीं है। इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये लागू कराया है आयुष्मान भारत के नाते। जब हमें ध्यान में आया कि केंद्र की स्कीम में तो हरियाणा के 15.5 लाख परिवार कवर हो रहे हैं, हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई चिरायु योजना, ताकि 1,80,000 रूपये तक की आय के जो परिवार हैं उन सबको इसका लाभ मिले, और इसमें 29 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं। अब हमको ध्यान में आया आखिर 1,80,000 भी बहुत आय ऐसी है जिसमें शायद इससे ऊपर के लोगों को भी कठिनाई आएगी, तो इस वर्ष के बजट में हमने इस आय को बढ़ा करके 3 लाख रुपया प्रति परिवार ये आय रख करके और थोड़े से पैसे लेकर, थोड़े पैसे यानी 125 रुपया महीना अर्थात 1500 रुपया साल, इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना उनको भी इसको ऑफर किया है, ताकि वो इसको ले सके और परिवार के इस खर्च को बचा सके। अब ऐसे ही हमारे जो बुजुर्गों की स्थिति है, बुजुर्गों में एक वर्ग ऐसा है मित्रों जिनकी आयु 80 वर्ष से भी ऊपर हो गई है, तो इस 80 वर्ष से ऊपर के आयु के जो लोग हैं उनकी विशेष चिंता हमको करनी होती है। तो हमने अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनके जिम्मे ये लगाया है, वॉलंटियर्स वो जनता में से भी आते हैं और हमारे सरकारी कर्मचारी वो भी वॉलंटियर्स बन सकते हैं, हजारों की संख्या में ऐसे सरकारी कर्मचारी वॉलंटियर बने हैं। बल्कि मैं अपील करता हूं कि आप भी उनको ये कहें, जो हमारे सरकारी कर्मचारी आपके परिवारों के लोग हैं उनको कहें कि वॉलंटियर बनकर के ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु 80 साल से ऊपर हो गई है इनकी देखभाल करने के लिए कम से कम और कुछ ना करें
महीने में एक बार जाकर उनका हालचाल पूछें, कोई अस्वस्थ है, कहीं किसी की परिवार के अंदर स्थिति ऐसी तो नहीं है कि परिवार में कोई देखभाल नहीं करता है, कोई अकेला तो नहीं रहता है, उसके कुशल क्षेम, उसकी बीमारी, उसका खान पान, उसको आवश्यकताएं जितनी होती हैं उसकी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि ये भी लगभग 2.25 लाख परिवार ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो 80 वर्ष से ऊपर हैं, तो इन 2.25 लाख लोगों की भी चिंता हमको करनी चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग हमारे माता पिता के बराबर होते हैं, तो हम अपने माता पिता के बराबर बुजुर्ग 80 साल, 90 साल, 100 साल से भी ऊपर की आयु के लोग, लगभग 3,500 लोग आज ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी ऊपर है, तो एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिन्होंने सारा जीवन चाहे अपने परिवार को पालते हुए भी जो सेवा की है समाज की, एक बहुत बड़ी सेवा है। तो हम आज उन बुजुर्गों को जरूर देखभाल करें। सरकार ने एक योजना बनाई है ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी संख्या है जो आज ध्यान में आता है कि 80 साल से ऊपर की उम्र है और अकेले रहते हैं, ये संख्या भी कम नहीं है। ये संख्या लगभग जो मेरी जानकारी है ये लगभग 28,000 लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और जिनकी आय वो लगभग 1,80,000 रुपए तक है, तो इनकी भी चिंता हमको सबको करनी है। तो ऐसे परिवारों को जो अकेले अकेले हैं, उनका बहुत मुश्किल है उनको अपने जीवन यापन करना, उनको परिवार की सहायता नहीं मिल रही है, या कई बार पारिवारिक छोटे मोटे विवाद होते हैं उसके कारण से माता पिता को कई बार बच्चे भी दूर कर देते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत इसको हमको संभालने की आवश्यकता है कि जिस परिवार को पाला पोसा बुजुर्ग ने, वो बच्चे उन परिवार उन बुजुर्गों की जरूर उसकी देखभाल रखें, उनकी चिंता करें। आखिर उन्होंने आज तक हमको पाला है, आज जरूरत उनकी आवश्यकता है उनको सहायता करने की, तो हम सहायता करेंगे। एक वर्ग ऐसा हमको ध्यान में आया कि आयु भी 80 वर्ष से ऊपर है, अकेले रहते हैं और उनकी अपनी इनकम हमारे डाटा के हिसाब से 25,000 रुपए से कम है, ऐसे भी 3600 लोग हैं। अब ये 3600 लोगों की हालत क्या होती होगी, जब हमने इसका विचार किया तो हमने घोषणा की है कि अभी अप्रैल से इन सब लोगों के लिए जो वृद्ध आश्रय स्थल सेवा आश्रम, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इन सेवा आश्रमों में उनको हम कहेंगे कि आकर के जाकर के वो वहां रहें, ताकि उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई भी आवश्यकता है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे उनके रहन सहन की, खाने पीने की, चाहे रहने के स्थान की, चाहे कपड़ों की, कोई भी आवश्यकता वो उनके हम पूरी करेंगे और ये सरकार की व्यवस्था में सब रहें, ताकि अगर वो सहमत होंगे उन सबको हम इन सेवा आश्रमों में रखेंगे। तो इस प्रकार मेरा तो आप लोगों से यही है कि हम लोग इन सब चीजों को समझते हुए, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के नाते से हम लोग इन विषयों के ऊपर आगे बढ़ें। एक विषय जरूर मैं ध्यान कराना चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसे भी हैं छोटे मोटे लालच के कारण से, कई बार तो वो परिवार के अंदर रहते हैं फिर भी उनको लगता है शायद अलग फैमिली अलग परिवार इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कोई लाभ हो सकता है, और उस छोटे लाभ के कारण से वो अपना रजिस्ट्रेशन अलग से करा लेते हैं। अब बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे यहां अलग सिंगल फैमिली मेंबर जो परिवार जो ऐसे गिने हैं वो लगभग 28,000, जैसे मैंने बताया है ये 28,000 लोग 80 वर्ष से ऊपर के हैं जिन्होंने सिंगल फैमिली मेंबर को कराया है, और जो सब मेंबर्स को लगा लिया जाए यानी सिंगल मेंबर फैमिली आयु का ध्यान न रखे तो ये लगभग 2.5 लाख से भी ऊपर हैं। तो इन सब लोगों को भी जरूर ध्यान करना चाहिए कि अगर हम सिंगल मेंबर फैमिली हैं, हमारी कोई और सहायता नहीं करता, हम अकेले रहते हैं किन्हीं भी कारणों से, तब तो ठीक है, अन्यथा परिवार में रहते हुए सिंगल मेंबर फैमिली इसका रजिस्ट्रेशन न कराएं, क्योंकि इनकी सबकी जांच तो होती ही है, आखिर कोई भी काम बिना जांच के वो आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए उस जांच करके ही हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और कहीं ऐसा न हो कि आज अपने आप को आपने सिंगल मेंबर फैमिली रजिस्टर कराया है और कल को जांच में बात सत्य न पाई जाए, हमारा मेंबर जो मेंबरशिप परिवार की वो समाप्त होकर के हमको वापस उसी मेंबर में जाना पड़े, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज ही हम लोग अपने आप को संभाल करके जो तथ्य हैं, जो उचित बातें हैं, उनको अगर हम दर्ज करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई गरीब परिवार है उसकी हर प्रकार की चिंता, राशन कार्ड के नाते से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनते हैं, अब उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अगर किसी परिवार की सिर पर छत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान मिलता है, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको आयुष्मान के नाते या चिरायु योजना के नाते
5 लाख रुपए तक उसकी बीमा की भी चिंता हम करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की भी हम चिंता करते हैं, और तो और कोई व्यक्ति आगे चल करके भी बीमार न हो उनकी स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी हमने एक योजना बनाई है, निरोगी योजना। अर्थात इसमें भी हर वर्ष या 2 वर्ष में कम से कम हर बार एक व्यक्ति का एक बार उसका स्वास्थ्य जांच जरूर हो, इसके लिए भी निरोगी योजना बनाई गई है। हमारे जितने भी CHCs हैं, PHCs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और अब तो हम इस काम में प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, ESI अस्पताल उनकी व्यवस्था को भी इसमें जोड़ा गया है, ताकि हर व्यक्ति का 25 तरह के जो टेस्ट हैं 2 साल में एक बार उसका जरूर हो जाए। अगर कोई छोटी बड़ी बीमारी मानो शरीर में पड़ी है, हमको पता ही नहीं लगता है, कहीं आगे चल करके वो भयंकर रूप ले, इससे पहले ही संभल जाए, और संभल करके उसकी छोटे मोटे की इलाज की जो बातें हैं उसको हम और अभी से कर पाए, व्यक्ति बीमार न हो, इसके लिए भी हमने जो है आयुष विभाग को सक्रिय किया है, ताकि हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, इसकी ओर भी हमारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, ताकि आखिर तो बीमार ही क्यों हो, बीमार न हो इसके बहुत लाभ हैं। बीमार होने के बाद इलाज तो कराने के लिए खर्च होगा ही होगा, हमारा समय बर्बाद होगा, हम काम करने से भी गए, मानो अगर 1 महीना इलाज के लिए हमको लगाना पड़ता है तो 1 महीना आखिर काम का जो नुकसान है, हमारा अपना भी नुकसान है, परिवार का भी है, देश का भी है। इसलिए स्वस्थ रहें, अस्वस्थ न हो, इस पर भी हम पूरी योजनाएं बना रहे हैं। तो मित्रों आज जो है इस नाते से मैंने उन्हीं बंधुओं से बातचीत की है जिन लोगों की पेंशन की नई योजना बनाई हमने, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इसके नाते जिनको ऑटोमेटिकली